नमस्कार मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं सी डब्ल्यू बी हिंदी न्यूज सखसत उन्नीस विक्रम संवत दो आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार है तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 अप्रैल सन 2024 सबसे पहले आज के मुख्य समाचार हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बिना शर्त मिलेगा दाखिला शिक्षा विभाग ने जारी किया ये निर्देश सीबीएसई अपडेट जल्द खत्म होगा दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों का इंतजार रिजल्ट को लेकर आई बड़ी अपडेट हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी को एक और बड़ा झटका पार्टी कोटे से लॉ ऑफिसर से मांगे गए इस्तीफे हरियाणा दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी खबरी सिंगू बॉर्डर से हटने लगी है बैरिकेटिंग हरियाणा के नारनोल व अटेली मंडी में एमएसपी पर सरसों खरीद का शेड्यूल जारी बताएंगे गांव वाइज पूरी लिस्ट हरियाणा में चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही शुरू होगी भर्तियां जानिए कितने पदों पर होगी नियुक्ति हरियाणा के पूर्व मंत्री सांगवान ने ली बीजेपी की सदस्यता बंसीलाल के करीबी रहे हैं छह महीने पहले ही जजपा को छोड़ा था हरियाणा में जेजेपी को एक और बड़ा झटका राहुल मक्कड़ ने लौटाई चाबी रेलवे ने तीन जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें चलाई ओखा दिल्ली सराय रोयला रेवाड़ी होकर चलाएगी गर्मियों की छुट्टियों को लेकर बढ़ाई सुविधा 21 राज्यों की 102 सीटों पर छियासठ फीसदी वोटिंग त्रिपुरा में सबसे ज्यादा बयासी फीसदी तो बिहार में सबसे कम उनचास फीसदी तो बंगाल मणिपुर में हिंसा की खबरें और लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स ने आईपीएल 2024 में चौथी जीत हासिल कर ली है टीम ने अपने होम ग्राउंड पर चेन्नई सुपरकिंग्स को आठ विकेट से हराया और अब खबरें विस्तार से हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का था असर लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी देखने को मिला हालांकि इस दौरान कहीं धूल भरी आंधी चली तो कहीं ओले गिरे मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 20 अप्रैल को भी इसके प्रभाव से कहीं कहीं बूंदाबांदी और बादलवाई रहेगी कैथल जिले के पुंडरी में बारिश के साथ ओले गिरे हैं इसके अलावा सोनीपत के गोहाना पानीपत के समालखा और अम्बाला के मुलाना में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गयी है इधर मौसम विशेषज्ञों ने हरियाणा में इक्कीस अप्रैल तक बदलाव होने की संभावना जताई है इसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है हरियाणा में मौसम में बदलाव को लेकर जारी अलर्ट के बीच में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है मेवात का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तोहार चालीस दशमलव तीन सिरसा चालीस दशमलव दो और चरखी दादरी का 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है वहीं अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां का पारा अड़तीस ऐसी उनतालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है मौसम विशेषज्ञों का कहना है की इक्कीस अप्रैल तक मौसम खराब रहने की संभावना को देखते हुए किसानों को अलर्ट जारी किया जा चुका है हरियाणा के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान अब भाजपा में शामिल हो गए हैं शुक्रवार को पूर्व मंत्री ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी में शामिल कराया है बता दें कि करीब छह महीने पहले शक्ति प्रदर्शन कर हजारों की भीड़ जुटा सतपाल सांगवान ने विधानसभा चुनाव में अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में उतारने का एक अहम फैसला देते हुए संकेत दिए थे पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और वे उनके करीबी भी रहे हैं साल उन्नीस में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट आरोप पहली चरखे दादरी के विधायक बने थे और बाद में भी कई चुनाव लड़े विधायक बनकर सांगवान भूपेंद्र हुड्डा सरकार में सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा में लगातार सरकारी स्कूल में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है ऐसे में सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़े इसके लिए अब शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया है इसमें शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए विद्यार्थियों को आधार नंबर और परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता ऐसी राहत प्रदान कर दी है विभाग ने निर्देश दिए है की प्रवेश के इच्छुक छात्रों को तुरंत प्रवेश दिया जाए उसका नामांकन विद्यालय के दाखिल रजिस्टर के अनुसार यहाँ कराकर उसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली पाठ्य फ्री में वर्क आदि दी जाए यदि आवेदक बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आंगनबाड़ी रिकॉर्ड या अस्पताल या फिर नर्स या दाई रजिस्टर का उपयोग किया जा सकता है अगर यह भी नहीं है तो माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की उम्र का शपथ पत्र भी मान्य होगा कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार ऐसी वंचित न रहे तथा तो ट्रिपल पी यानी परिवार पहचान पत्र एवं आधार संख्या के अभाव में नामांकन ऐसी वंचित नहीं रहना चाहिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं व बारहवीं की कक्षाओं के उनतालीस लाख छात्र परीक्षा परिणाम के इंतजार में हैं। सीबीएसई की दसवीं व बारवी कक्षा की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हुई थी दसवीं की परीक्षा 13 मार्च व बारहवीं कक्षा की परीक्षा 2 अप्रैल को समाप्त हुई है आपको बता दें कि परीक्षार्थियों का यह इंतजार मई के पहले या दूसरे हफ्ते तक खत्म हो सकता है मूल्यांकन कार्य ऐसी जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक दसवीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य तो काफी पहले ही पूरा हो चुका है जबकि अभी बारहवीं के बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी कंप्यूटर साइंस व इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस विषयों के मूल्यांकन का काम चल रहा है एक हफ्ते में इनका मूल्यांकन कार्य समाप्त तो हो सकता है मूल्यांकन कार्य के साथ साथ अंक भी अपलोड किए जाते हैं ऐसे में मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद बोर्ड को रिजल्ट का संकलन करने में लगभग पंद्रह दिन लग जाएंगे अब यह निर्धारित नहीं है की दोनों कक्षाओं के रिजल्ट एक ही दिन जारी होंगे या फिर अलग अलग दरअसल पंद्रह मई ऐसी स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा यानी सीयू टी शुरू होगी ऐसे में उससे पहले ही बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आएगा ताकि विद्यार्थी आगे दाखिला ले पाए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जे जेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं जो कहें की पार्टी बिखराव के दौर से गुजर रही है तो गलत नहीं होगा गठबंधन टूटने के बाद अब जजपा कोटे से नियुक्त हुए लाह अधिकारियों से इस्तीफे मांगे गए हैं हरियाणा एजी सूत्रों के मुताबिक जननायक जनता पार्टी के कोटे से राज्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता उप महा और सहायक महाधिवक्ता सहित विभिन्न पदों पर उन्नीस लाह ऑफिसर तैनात है भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद अब इन सभी लाह ऑफिसर्स को हरियाणा एजी ऑफिस की ओर इस्तीफे का नोटिस जारी किया गया है मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि अब तक 19 लॉ ऑफिसर्स में से 8 ने अपना इस्तीफा एजी ऑफिस भेज दिया है जबकि 11 लॉ ऑफिसर्स के इस्तीफे अगले सप्ताह तक आने की संभावना है हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी एच के आर एन के तहत लंबे वक्त के बाद जींद जिले के राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी तकरीबन पूरी हो चुकी है ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र से ही विद्यार्थियों को अच्छी सुविधा मिल पाएगी जिले में शिक्षकों के विभिन्न छह हजार नौ सौ तिरासी स्वीकृत पद है अभी भी जिले में पी आर टी व हेड टीचर के तकरीबन दो सौ पद खाली बचे हुए हैं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुभाष वर्मा ने कहा की राजकीय स्कूलों में इस वक्त शिक्षकों की लगभग कमी पूरी हो चुकी है छात्रों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी यहाँ प्रवेश उत्सव के तहत अभिभावकों को अपने बच्चों के दाखिले राजकीय स्कूलों में करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है राज्य के स्कूलों में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा के बीच आवागमन करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है बता दें कि पंजाब हरियाणा के किसानों द्वारा दिल्ली कूच के ऐलान के चलते दो महीने से ज्यादा समय से बंद पड़े सोनीपत से सटे सिंगू बॉर्डर को अब खोला जा रहा है दिल्ली पुलिस नेशनल हाईवे चौवालीस आरोप कुंडली बॉर्डर ऐसी आगे की गयी बैरिकेटिंग को हटाने में लगी हुई है हालांकि अभी हाईवे आरोप दो लेन ही खोली जाएंगी फिलहाल यहाँ आरोप ट्रैफिक का आवागमन सर्विस रोड ऐसी किया जा रहा है इसके चलते यहाँ आरोप रोजाना भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो रही है लेकिन अब हाईवे की लेन खुलने ऐसी आने वाले दो ऐसी तीन दिनों में निश्चित तौर पर लोगों को जाम से निजात मिलने वाली है किसानों के दिल्ली कुछ के ऐलान के बाद सोनीपत से सटे कुंडली सिंगू बॉर्डर को तेरह फरवरी को बंद कर दिया गया था लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने हाईवे आरोप दोनों साइड की दो दो लेन को खोलना प्रारंभ कर दिया है पक्के सीमेंटेड अवरोधकों को हटाने के लिए बुलडोजर लगे हुए हैं और दो ऐसी तीन दिन में बैरिगेटिंग को हटाकर वाहन चालकों के लिए हाईवे खोल दिया जाएगा रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है बाहरी और पश्चिमी दिल्ली की ओर रहने वाले लोगों को हरियाणा राजस्थान और गुजरात समेत पश्चिमी भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक भागदौड़ करने की कोई आवश्यकता हाँ नहीं पड़ेगी इन लोगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक नया विकल्प मिलेगा और वहीं से ट्रेन पकड़कर ये लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे बता दें कि भारतीय रेलवे देश भर में एक हजार ऐसी ज्यादा रेलवे स्टेशनों को पुनः विकसित कर रहा है इन स्टेशनों को नया लुक देकर तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा इसके तहत बहुत से रेलवे स्टेशनों पर निर्माण कार्य इसी साल पूरा होने वाले है और इन्हीं में से दिल्ली के दो स्टेशन बिजवासन और सफदरजंग स्टेशन अपने आप में खास होंगे अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत बिजवासन रेलवे स्टेशन की कायाकल्प की जा रही है यह स्टेशन नई दिल्ली पुरानी दिल्ली निजामुद्दीन और आनंद विहार के बाद पांचवा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनने वाला है बिजवासन रेलवे स्टेशन आरोप कुल मिलाकर सात प्लेटफॉर्म होंगे और यहाँ ऐसी हरियाणा राजस्थान गुजरात समेत पश्चिम भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने की सुविधा उपलब्ध होने ऐसी बाहरी और पश्चिमी दिल्ली के लोगो को बड़ी राहत पहुँचने वाली है इन लोगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक भागदौड़ करने ऐसी निजात मिलेगी दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत नई अनाज मंडी नारनोल व अटेली मंडी में सरसों की सरकारी खरीद के लिए रोस्टर प्रणाली तैयार की गई है इन मंडियों में सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एम एस पी खरीदने के लिए गाँव के हिसाब से शेड्यूल बनाया गया है बीस अप्रैल यानी आज फैजलीपुर जादूपुर मखसूसपुर नागल सालू सुराना व तलोट गाँव की सरसों खरीद की जाएगी तो वही कल यानी इक्कीस अप्रैल को रविवार की छुट्टी होने के चलते गेट पास जारी नहीं किए जाएंगे वही बाईस अप्रैल को नांग नागतिहाड़ी नसीबपुर निवास नगर शिवनाथपुरा व शिलारपुर मेहता और 23 अप्रैल को खत्रीपुर कोजिंदा लहरोदा व आज नगर तथा चौबीस अप्रैल को बलाहा खुर्द बड़कोदा दोचाणा व डोहर खुर्द गाँव की सरसों खरीद की जाएगी मंडी में सरसों लेकर पहुँचने वाले किसान गेट पास कटवाने के लिए अपना आधार कार्ड साथ लेकर आए एक किसान के आठ क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब ऐसी सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम पच्चीस क्विंटल की खरीद की जाएगी सचिव व कार्यकारी अधिकारी मार्केट कमेटी अटेली सुनीता ने बताया की बीस अप्रैल को सलीमपुर गोकुलपुर व नेरपुर गाँव के किसानों की सरसों को एम एस पी खरीदा जाएगा किसान अपने गाँव के नंबर के हिसाब ऐसी मंडी में सरसों लेकर पहुँचे यदि आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ का लाभ ले रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है बता दें की ई की तरफ से पीएफ फंड से निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है ईपीएफओ का लाभ ले रहे सदस्य को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आज की यह खबर सुनकर उन लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है जो अब तक पीएफ अकाउंट से हेल्थ इमरजेंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में अमाउंट को नहीं निकाल पा रहे थे अब ईपीएफ मेंबर अड़सठ जे क्लेम के तहत एक लाख रूपए तक आसानी से निकाल सकते हैं बता दें कि पहले लिमिट मात्र पचास हजार रूपए थी इसके साथ ही सॉफ्टवेयर अपलीकेशन में भी कुछ जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं अब मेंबर अपनी अलग अलग जरूरत के लिए फॉर्म नंबर इकतीस के जरिए पी फंड ऐसी निकासी कर सकते हैं इनमें शादी लोन रिपेमेंट घर जमीन या फ्लैट खरीदने बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे अन्य जरूरी काम शामिल है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद दुष्य चौड़ाला की जन जनता पार्टी यानी जे में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है एक के बाद एक कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला रफ्तार पकड़ चुका है पार्टी में इस कदर भगदड़ मची हुई है कि प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जे जे को अलविदा कह चुके हैं इसके अलावा बरवाला ऐसी विधायक जोगीराम सिहाग भी पार्टी के समस्त पदों ऐसी अपना इस्तीफा दे चुके हैं साल दो के विधानसभा चुनाव में जे की टिकट आरोप हासी सीट ऐसी चुनाव लड़ चुके रविंद्र राहुल मक्कर ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है वो हासी हल्के ऐसी पार्टी के अध्यक्ष भी थे इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विनोद बयाना को कड़ी टक्कर दी थी और बेहद कम मार्जिन ऐसी जीत हासिल करने ऐसी चुक गए थे ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना दुष्यंत चौटाला के लिए किसी बड़े सदमे ऐसी कम नहीं होगा अजय सिंह चौटाला को भेजे अपने इस्तीफे में राहुल मकर ने लिखा है कि वह निजी कारणों ऐसी जननायक जनता पार्टी ऐसी हल्का प्रधान के पद ऐसी वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ऐसी इस्तीफा दे रहे हैं अतः आपसे अनुरोध है की मेरा इस्तीफा स्वीकार करें हरियाणा में जी बेल्ट भाजपा का गढ़ माना जाता है पिछले दो लोकसभा चुनाव में जी बेल्ट में आने वाली तीन सीटों अम्बाला कुरुक्षेत्र और करनाल में भाजपा ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि अपने वोट शेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी भी की है राज्य की सत्ताधारी पार्टी के समक्ष दबे पाओ कई चुनौतियाँ खड़ी हो गयी है इन चुनौतियों को भापते हुए पार्टी ने न सिर्फ अपने सिपाही साल बदले है बल्कि अपने मुखिया तक को ही बदल दिया चुनौतियों ऐसी जूझ रही पार्टी के सामने जहाँ इस दुर्ग को बचाने की चुनौती है तो वही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भाजपा की हैट्रिक रोकने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती हालांकि कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है पार्टी का कहना है की एक ऐसी दो दिन में उसके उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे उम्मीदवार आने के बाद चुनावी मैदान की तस्वीर और साफ हो पाएगी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने नेताओं को एकजुट रखने की है छह बार के विधायक व पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पिछले महीने हुए विधायक दल की बैठक से नाराज चल रहे हैं वह अपनी नाराजगी कई मौकों पर जाहिर भी कर चुके हैं हालांकि वे समय समय पर यह भी कहते रहे हैं कि उनका किसी के साथ सीखवा नहीं है सीएम नायब सिंह सैनी व पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर उनसे निजी तौर पर मिल चुके हैं मगर नाराजगी की गाठे सुलझ नहीं पाई है नाराजगी और मान मनोबल के बीच जनता के बीच जो मैसेज जाना था वह भी जा चुका है अनिल विज को हरियाणा में भाजपा के दिग्गज नेताओं में गिना जाता है और पंजाबी समुदाय से आते हैं जो भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है हरियाणा के युवाओं ने बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर एक अनोखे ढंग से तंज कसा है उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी का एक कार्ड वायरल किया है जिसमें बेरोजगार की सीई यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी भर्ती से शादी तय होने की बात बताई गई है साथ ही इस शादी में आने का इनविटेशन राज्य की पूरी जनता को दिया गया है बेरोजगार युवाओं ने इस शादी कार्ड के जरिए सरकार की भर्ती प्रक्रिया आरोप सवाल उठाए गए हैं कार्ड को बाकायदा पूरी शादी के कार्यक्रमों के साथ व्यवस्थित किया गया है इसमें शादी का स्थान करनाल का पुराना बस अड्डा है शादी में दर्शना विलासी समस्त हरियाणा की जनता और विनीत राज्य के सभी बेरोजगार बनाए गए हैं इसके माध्यम से राज्य की युवा सरकार के खिलाफ नई तरीके से अपना रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा में चुनावी बिगुल बच चुका है जिसके चलते आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है चुनाव आचार संहिता के बाद हरियाणा में भर्तियों की शुरुआत होने वाली है इसके लिए विभाग तैयारियों में लगे हुए हैं जहां ग्रुप सी की बाकी बची भर्तियां पूरी की जाएंगी तो वहीं ग्रुप डी में भी नियुक्तियां दी जाएंगी इसी बीच हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एच के माध्यम ऐसी भी भर्तियों को प्लानिंग की जा रही है इनमें कॉलेजों में तीन असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी भर्ती होने वाली है इसी प्रकार आयुष विभाग में भी पांच आयुर्वेद डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी हो रही है यह भर्ती भी जून में जारी होने की संभावना है इसके अलावा एच के तहत भी आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती की जा सकती है विशेष बात यह रहेगी कि यह भर्तियां सितंबर तक पूरी कर ली जाएंगी ऐसा इसलिए क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता लग सकती है भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुआ सेंसेक्स पांच सौ निन्यानवे दशमलव तीन चार अंक की तेजी के साथ तिहत्तर हजार अठासी दशमलव तीन तीन के स्तर पर क्लोज हुआ तो वही निफ्टी में भी एक सौ इक्यावन दशमलव एक पांच अंक की तेजी दिखाई दी और ये बाईस हजार एक सौ सैंतालीस के स्तर पर क्लोज हुआ सेंसेक्स के तीस शेयरों में से बाईस में तेजी रही और सिर्फ आठ में गिरावट देखने को मिली है वही सोने की कीमत में चार सौ रूपये की बढ़ोतरी देखने को मिली इसी के साथ सोना चौहत्तर हजार एक सौ रुपए प्रति दस ग्राम के स्तर पर पहुँच गया है वही चांदी भी सौ रुपए की बढ़त के साथ छियासी हजार छह सौ रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुँच गई वहीं एक डॉलर का रेट तिरासी रूपए सैंतीस पैसे के स्तर पर क्लोज हुआ आज खबरों पर इतना ही देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल सी डब्ल्यू बी हिंदी न्यूज नमस्कार इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे